हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिवाली का माहौल है, बिल्कुल कुर्ता उर्ता पहन के मैं तो रेडी था, और यहाँ पे हमारी दिवाली बन चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए आप सभी के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली मुबारक, और आपकी फैमिली को भी दिवाली मुबारक। और मैं जो दिवाली बना रहा हूँ अपनी फैमिली और अपने कुछ बच्चों के साथ बना रहा हूँ, तो प्लीज़ बच्चा लो, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और बच्चा लोग हैप्पी दिवाली बोल दो यार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिवाली चली गई, गोवर्धन गया, और उसके बाद चला गया है भैया दूज। भाई सारे त्यौहार बन चुके हैं, मंडे से जाना है ऑफिस, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम करना है। और ये वीडियो मैंने टीएल वगैरह भी देखते हैं आने सर, मंडे को ऑफिस आना है आपके साथ ही, क्या कर सकते हैं, ऑफिस काम जरूरी है। और वो वीडियो मैंने थोड़ा सा आधे कट कर दिया, आ गए आप देख लेना एंड में, मैं उस वीडियो को जरूर लगाऊंगा पूरा पार्ट देखने के लिए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज़ यूपी में नेट का इशू था, मैं अपलोड नहीं कर पाया, आधा करता आधा रुक जाता, आधा करता आधा रुक जाता। तो आज मैं आया हूँ आपके साथ रिएक्शन वीडियो लेके रिएक्शन वीडियो बनाएंगे रोबोट 2.0। नाम 2.0 है, बट ये जो पहली मूवी बनी थी रजनीकांत जी, जो साउथ के बहुत बड़े एक्टर भगवान माने जाते हैं, उन्होंने जो रोबोट बनाई थी उसी का एक सीक्वल 2.0। और इसमें हम देखेंगे अक्षय कुमार को भी। अक्षय कुमार भाई हीरो, मतलब एक्शन हीरो है बहुत ज़्यादा, और डांस वांस भी अच्छा किया है, एक्टिंग भी अच्छे कर लेते हैं, और कॉमेडी जो उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं वो भी माइंड ब्लोइंग। पसंद है भाई आपकी मूवीज़, मुझे पसंद है। बट इस मूवी के अंदर वो दिखने वाले हैं विलन के रूप में, तो डिस्कशन करेंगे मूवी का बाद में, पहले हम करते हैं ट्रेलर शुरू और देते हैं रिएक्शन। अक्षय कुमार की एक्टिंग, उसे देखते ही लोग डर के मारे भागना शुरू कर देंगे, देखना तो। माइंड ब्लोइंग एनिमेशन, ऑब्जेक्ट ए रीलोडेड वर्जन 2.0। Set your screens on fire. तो भैया ये था ट्रेलर 2.0, रजनीकांत वर्सेस अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इसके अंदर विलन के रूप में साफ दिख रहा है, और इस मूवी का नाम वैसे ना एक और हो सकता था 2.0 के अलावा, फोन बने शैतान, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि फोन्स का इस्तेमाल करके एक शैतानी रूप में वो गिद्ध है, पता नहीं चील है या ऐसा ही एक बर्ड बनाया गया है, और वो आक्रमण कर रहा है लोगों के ऊपर। तो मूवी के अंदर यही है कि एनिमेशन बहुत अच्छा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा तरीके से एनिमेशन यूज़ किया है बाकी रोबोट के मुकाबले में। 2.0 में एनिमेशन बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़ यह है कि ए आर रहमान इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है बट उन्होंने कास्ट किया है इस मूवी के अंदर, प्रोड्यूस किया है जो भी है, मतलब साउंड वगैरह उन्होंने शायद प्रोड्यूस किया होगा क्योंकि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो रजनीकांत जी हैं वो दोबारा चिट्टी के रूप में स्पीड 1 TB/10 ऑल ऐसे कुछ होता है, मैं भूल चुका हूँ उसको। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इज नन अदर देन माय क्रिएशन चिट्टी द रोबोट, स्पीड 1 TB, मेमोरी 1 GB। तो ये रोबोट इसके अंदर भी उन्होंने दिया गया है कि वो 2.2 इन्हेंस किया गया है उस रोबोट को इस मूवी के अंदर। तो वो इसके अंदर है कि वो किस तरीके से अक्षय कुमार से फाइट करेगा, ये कुछ एवेंजर्स वाला लुक दिया गया है, एवेंजर्स वाला लुक, मतलब एवेंजर्स जैसे फाइट करते हैं ना ऐसे कुछ है कि रजनीकांत की, रजनीकांत अपने अलग रोबोट से उसको फाइट कर रहे हैं और अक्षय कुमार अलग सेलफोन्स का एक दानव सा बना के उसके अंदर फाइट कर रहे हैं। तो अभी देखना ही है कि मूवी कैसी जाएगी, बट आई थिंक मूवी बहुत अच्छी जानी चाहिए बिकॉज़ रजनीकांत जी हैं और वो साउथ के हीरो माने जाते हैं और बहुत अच्छी उनकी जो इमेज है उसके अंदर। तो भैया मूवी तो साउथ में तो फाड़ देने वाली है, यहाँ का पता नहीं है। और ये मूवी 3-4 लैंग्वेजेस में निकलने वाली है, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी और जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं और जो मेन लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ये रिलीज़ होने वाली है। और ये रिलीज़ होने वाली है दिसंबर में। तो जब भी आएगी मूवी ज़रूर जाइएगा देखने के लिए, मैं भी ज़रूर जाने वाला हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेके। बहुत अच्छी मूवी बनाई है रजनीकांत और अक्षय कुमार। देखना होगा कि मूवी के और मतलब जो एनिमेशन है वो कितना अच्छा इनबिल्ट किया गया है इस मूवी के अंदर। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन मेरे डियर सब्सक्राइब कर देना। और शेयर तो बनता है, शेयर करने से भाई पहुँचेंगे घर घर और आपके पास पहुँचाएंगे रिएक्शन रिव्यूज़। और बहुत जल्दी मैं एक फ़ूड का रिव्यू भी लेने वाला हूँ, बहुत दिनों से फ़ूड रिव्यूज़ नहीं हुए हैं। तो अभी मैं बहुत दिनों से दुकान सर्च कर रहा था तो मुझे बताई है एक दुकान, वहाँ जाएंगे और वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे भी अपने फ़ूड का रिव्यूज़ देने वाले हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय। आपको बहुत मतलब हमारी फैमिली की हमारी फैमिली से आपकी फैमिली को भी हैप्पी दिवाली और मतलब बहुत अच्छी दिवाली बनाई है इस बार सबने। ये ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता बच्चा हमारा, ठीक है। तो आप सभी को ने भी मुझे पता है दिवाली बहुत अच्छी तरीके से बना ली होगी, मतलब सबने मतलब खाया पिया सब मिठाइयाँ पूरी प्रॉपर तरीके से हो चुकी है मतलब से, मतलब बहुत मज़ा आया हमारे को दिवाली मनाने में। और आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा, मतलब प्रॉपर तरीके से तो नहीं आएगा क्योंकि 2 घंटे का था मतलब बम पटाखे, बट ठीक है कोई बात नहीं, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो हाँ ठीक है, तू जज्बाती मत हो आप, मतलब जितना भी है ठीक है। और चलते हैं और मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा खत्म होगी, गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर तो बनता है, शेयर बनता है क्योंकि शेयर से ही सब कुछ होता है और सब्सक्राइब से भी होता है, लाइक भी करता है। हैप्पी दिवाली लास्ट टाइम और एक बार और लास्ट आपको हैप्पी दिवाली और आपकी फैमिली को भी हैप्पी दिवाली, गुड बाय।